अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रहार टाइम से मैं सबिया हुसैन शेख। इस वक्त हम मौजूद है कौसा मुमरा के जामा मस्जिद परिसर में। ज़रूरतमंद लोग हैं, उन लोगों को किस तरह से यहाँ से राशन दिया जाता है आप ये बोर्ड देख सकते हैं, जो सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट से यहाँ के ज़रूरतमंद लोगों को राशन भी दिया जाता है और पका हुआ खाना भी दिया जाता है। आइए हम आपको आगे ले कर चलते हैं किस तरह से गरीब लोगों को किट दिया जाता है। यहाँ पर तीन तरह की किट रखा गया है। पहली किट में रखा गया है चावल, आटा और दाल। दूसरी किट में है तेल, शक्कर, दाल और चावल। तीसरी किट में भी आप देख सकते हैं, ये बच्चों की किट है, इसमें दवाइयाँ भी है और बच्चों के ओट्स, सफोला जैसे हर चीज़ रखी गई है। चौथी किट ये है, इसमें सिर्फ आटा और दाल रखा गया है। और आप वहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरह ज़रूरतमंदों के लिए खाना पक रहा है और खाना यहाँ पर बाँटा जाता है। हर तरह के यहाँ पर लोग मदद कर रहे हैं, दाल सालन है, चावल है, हर तरह से उन लोगों को मदद कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भूखा ना रह जाए, इतने बड़े लॉकडाउन में भी लोग किस तरह से यहाँ के ट्रस्टेड और मेंबर हर तरह से फैसिलिटी दे रहे हैं लोगों को। अभी जो हमने आपको किट दिखाए थे, आइए उन्हीं ट्रस्ट से बात करते हैं, ये किट कहाँ से आई है और कौन दिया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अकील ताड़े है। सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मैं मुमरा कौसा के अंदर पूरा काम की देखभाल कर रहा हूँ। और इस काम को हमारे ये ट्रस्ट हमारे मंत्रालय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सतीश त्रिपाठी साहब की है और उनकी मदद से ये सारी चीज़ें हमको मुहैया हो रही है। और ये जो हम बताते हैं आपको, ये किट जो हमको एक पहले जोमेटो से एक किट आई है और ये सेकंड हमको मंत्रालय के अधिकारी से आई है। और ये भी सफोला, ओट्स और अपना बंगाली खिचड़ी है जो गर्म पानी में डाल के ताबड़तोड़ खाने में आती है। और ये बच्चों के किट से जैसा, इसमें 4.5 लीटर दूध का पाउडर है, टाइगर बिस्किट है और चॉकलेट पाउडर है और विटामिन की भी दवाइयाँ है इसके अंदर। और ये किट हमको फिटिंग इंडिया से आई है। तो इस तरीके से हम कई हज़ारों की तादाद में अभी तक के हमने लोगों को यहाँ पे किट भी बांटे और हज़ारों की तादाद में रोज़ाना हमारे पास खाना यहाँ पे बनता है। और ये खाना हम लोग यहाँ पे दोनों टाइम तकसीम करते हैं और उसका बाकायदा हमारे पास रिकॉर्ड सारा मौजूद होता है। जिसको भी हम खाना देते हैं उसकी सिग्नेचर, नाम वगैरह ऐसा ताबड़तोड़ नोट होता है। और एक ही दिन में हमारे पास जितने भी लोग खा के जाते हैं उनका हम लोग पूरा अहवाल बनाते, दैनिक अहवाल बनता है हमारे पास इस तरीके से कि हम उसके अंदर नोट कर लेते सारी चीज़ के कल हमने कितने लोगों को खाना खिलाया है। जबकि हमको 2500 लोगों का राशन मिलता है और तकरीबन हम यहाँ पे 6 से 6500 लोगों को डेली खाना बना रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमको 2500 का राशन मिलता है और हम लोग 6000 के करीब लोगों को खाना खिलाते हैं। तो ये जो राशन आप पकाते हो खाना, तो ये सरकारी का राशन है और ये किट जो मिल रहा है ये चैरिटेबल से मिल रहा है, इसमें तुम खाना पकाते हो या गवर्नमेंट से जो राशन मिलता है उस पर खाना बना? गवर्नमेंट की तरफ से हमको सिर्फ दाल, तेल और चावल, ये तीन चीज़ मिलती है। बाकी जो सारे अखराजात है हमारी ट्रस्ट करती है। और इसके अंदर हमारा सबसे बड़ा रोल, हमारी सोसाइटी का रोल है। ये राहत अपार्टमेंट की जो सोसाइटी है इसका बहुत बड़ा रोल है। इन लोगों ने इस महामारी के अंदर सारे लोगों की खिदमत के लिए एकदम बेलोस खड़े रहे और रात दिन खड़े हैं। कई किस्म के वो लोग इधर मेहनत कर रहे हैं और रात दिन उन लोगों का पूरा साथ होने से हमको ये काम में बड़ी आसानी हुई है। जैसा आप जिस तरह कह रहे हैं कि 2500 लोग हैं जो जिनको हम खाना भी देते हैं, राशन भी देते हैं, अगर इनके कभी इन लोगों में से कोई एक आज ज्यादा हो जाए या कुछ हो जाए तो उन लोगों को मिलता है खाना और राशन? हाँ, मिलता है ना। ये जो रेडीमेड जो ओट्स वगैरह है उन लोगों को हम ताबड़तोड़ उसी दिन, जिस दिन हमारे पास खाना खत्म होता है, कोई फैमिली ऐसी आती है कि हमारे पास खाना नहीं है तो हम उनको वो ओट्स वगैरह और ये खिचड़ी वगैरह उनको देते हैं, जाके और रात गुजारा हो जाए उनका। यही हमारे साथ और भी ट्रस्टेड मेंबर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह हाजी ताड़े सर ने कहा है कि हम लोगों को सरकार की तरफ से चावल, दाल और तेल मिलता है, उसमें हम खाना बनाते और राहत के जो अपार्टमेंट वाले वो लोग भी यहाँ पे मदद कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं इसमें उन लोगों का क्या है? ये सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, जैसे कि अल्लाह हमसे काम ले रहा है ये, और हम सब मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। जो भी खर्चा भी होता है तो हमारे हाजी साहब है और सब जो भी भाई लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है हमारे साथ में, वो सब मिलकर थोड़ा थोड़ा हाजी साहब के साथ हाथ बटाते, जैसा भी हो रहा है वैसा करते जा रहे हैं। कितने मतलब दिनों से दे रहे आप जरूरतमंदों को खाना? तकरीबन ये 1 महीने के ऊपर हो गया। अच्छा, 1 महीने के ऊपर हो गया। राशन भी बांट रहे, कच्चा राशन भी दे रहे और डेली का डेली 2 टाइम खाना भी दे रहे हैं यहाँ पर। कम से कम तकरीबन दोपहर में ताज़ा खाना बनाया हुआ, शाम के टाइम में भी 1-3 हज़ार के ऊपर जाता है। और बाहर से जो रेडीमेड खिचड़ी हमको आती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कम से कम 2-1 हज़ार आदमी की लेती है, वो भी रेडी हमको बांटते हैं। वो कलवा में जाता है, ठाकुर पाड़ा जाता है, यहाँ से लंबे लंबे जाता है, गाँव देवी मैदान हो गया, मुमरा देवी का जो मंदिर है वहाँ पर हाईवे,
उसके ऊपर भी जाता है, सब जगह बंटवाते ही रहते हैं। मतलब डेली का डेली खाना यहाँ से बनकर भी जाता है और राशन भी जा रहा है। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 2,500-3,000 लोग यहाँ पे खाना लेते हैं, तो इसके अलावा भी मतलब आप खाना कहीं और भी पहुँचाते और राशन भी पहुँचाते, तो वहाँ पे कितने लोग हैं आप बता सकते हैं? वहाँ पर तो कलवा में समझ जाओ अभी तकरीबन हमारे यहाँ से 2,000 पैकेट जा रही थी, सुबह 1,000, दोपहर के टाइम 1,000 पैकेट और शाम में 1,000 पैकेट जा रही थी। अभी जो रेडीमेड खिचड़ी आपने जो देखी, वो खिचड़ी के 2-3 डेग डेली कलवा जा रहे हैं भास्कर नगर में। और यहाँ के जो राहत अपार्टमेंट वाले, किस तरीके से वो लोग अपना आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। काफी भारी तादाद से यहाँ लोग आते हैं, 2,500-3,000 पब्लिक को रोज खाना भी दिया जा रहा है, दो टाइम और राशन भी दिया जा रहा है। तो कैमरामैन हुसैन के साथ मैं सबिया हुसैन शेख, मुमरा कौसा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।